पूरे भारतवर्ष में होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें शक्कर से बनी मीठी गाठी का बड़ा ही महत्व होता है। बिना गाठी के होली का त्यौहार पूरा नहीं होता। शहर के अलग अलग जगहों पर मीठी गाठी के बाजार सजे हुए, रंग बिरंगी गाठी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। होली का त्यौहार वो है जब तक होली में अगर कोई किसी का मुंह मीठा नहीं करता, खासतौर पे इस गठिया से, सफेद जो गठिया दिखाई दे रही है, इससे अगर मुंह मीठा नहीं होता है तो होली पूरी तरह से नहीं मनाई गई ऐसा समझा जाता है। लेकिन इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि उस मार्केट में आए हुए इतवारा के ऐसे मार्केट में आए जहाँ पे गाठियाँ जो होती है बड़े पैमाने पे शक्कर से बनाई हुई ये गाठियाँ है, ये मार्केट है, ये अपने आप में कितना बड़ा है और क्या भाव है, क्या कहना चाहते हैं दुकानदार, ये हम इसके बारे में जानकारी दें। आइए हमारे साथ में। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि देखिए कि ये जो गाठी का मार्केट है, इतनी बड़ी गाठी, जी हाँ, छोटी गाठी से लेकर बड़े गाठी तक ये पूरा जो मार्केट है सजा हुआ है और लोग भी इसकी खरीदी करेंगे। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो इस गाठी को खरीदने के लिए, छोटे बड़े दुकानदार ऐसे बड़े व्यापारी की तरफ आए। अब हम सीधा रुक करेंगे उन्हीं की ओर। सर ये बताइए कि क्या लगता है इस वर्ष की जो गाठी होली का त्यौहार में जो गाठी जो लोगों को दी जाती है, कितनी मिठास अब बड़ी है या कम हुई है? नहीं, मिठास उतनी ही है जितनी पहले थी, मिठास में कोई कमी नहीं है और धंधा भी ठीक ठाक है क्योंकि सीजन का धंधा है। 12 महीने में एक बार गाठी मिलती है, 12 महीने में सिर्फ एक बार मिलने के बाद में और नहीं मिलती बाद में, और होली में ही इसका चलन है क्योंकि शक्कर की माला से ही आपसी बैर मिटता है इसमें और मिठाई का धंधा होता है इसमें, सबको मिठास लगती है। जैसे होली में रंग जरूरी है उसी तरह की होली में शक्कर की माला जरूरी है। क्या भाव है इस समय? ये थोक में 700 रुपये 10 किलो है और चिल्लर में रिटेल में 100 रुपये किलो तक बिक रही है। कहाँ कहाँ से लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं? वर्धा, अमरावती, हिंगन घाट और MP में खवासा है और गोंदिया है, आकोला है, सब चारों तरफ से आते लोग खरीदी करने यहाँ पे नागपुर में। इस वर्ष की गाठी क्या करना चाहोगे? गाठी का धंधा सही है ना इस वर्ष, और रंग बिरंगी आजकल गाठी ऐसी चलने लगी है दुल्हन के लिए, भगवान के लिए, दूल्हे के लिए और आपसी में लोगों को, बड़े बुजुर्गों को एक दूसरे को दी जाती है गाठी, उसकी मान्यता है गाठी की, एक दूसरे को दी जाती है बड़ी बड़ी गाठी, जैसा जिसको महत्व तो रहता है उसको दी जाती है बड़ी बड़ी गाठियाँ। बिल्कुल, जैसा महत्व तो रहता है वैसी गाठी दीजिए। अब हम आपको ये गाठी का कुछ जखीरा बताने जा रहे हैं। देखिए ये गाठी जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे आई हुई है, ये वही गाठियाँ है, गाठी का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, जिधर हमारी नज़र जा रही है गाठियाँ गाठियाँ दिखाई दे रही है। और ये गाठी अपने आप में मिठास इसलिए बढ़ाती है क्योंकि होली का जो त्यौहार है ये बहुत अच्छा एक त्यौहार होता है और एक दूसरे को सम्मान करने के लिए ये गाठी पहनाई जाती है। खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके परिजन उनको पहनाते हैं, उनके रिश्तेदार उनके गले में ये मीठी मीठी ये गाठियाँ डाल के वो होली को और भी तरोताज़ा और मिठास उनमें लाते हैं। सद्भावना इसमें है, प्यार इसमें है, भाईचारा इसमें है, एकता इसमें है, बशर्ते हमें इस गाठी की जो मिठास है यूं ही बरकरार रखना है क्योंकि हमारा ये जो देश है ये सभी जाति धर्म पंथ का है और इस देश में कोई भी खलल पैदा ना हो, कोई भी कड़वाट ना हो, हर कोई इस गाठी के मिठास जैसा ही काम करते रहे और होली के त्यौहार की हम आप सभी को शुभकामनाएँ देते रहे। गाठी की इस दुकान से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।